पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गुमला जिले के केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेलकूद उत्सव धूमधाम से मनाया है। 11वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कमाटोली स्थित खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक सहमार्ता सह प्रशिक्षु अधिकारी सह सहायक दंडाधिकारी मनीष कुमार ने कबूतर उड़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए खेल क्रीड़ा की सराहना की और कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी है जिससे अपने माता पिता, स्कूल, शिक्षक सहित अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया और बच्चे भी चाहते हैं कि लगातार खेलकूद का आयोजन होता रहे। गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। पढ़ाई और शारीरिक व्यायाम, परंतु आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप रियलाइज करते हैं कि पढ़ाई और खेलकूद दोनों साथ साथ आपके साथ बढ़ते जाते हैं। जो है मसूरी में आपको यकीन नहीं होगा कि वहां भी हमें ले जाया गया वहां के केंद्रीय विद्यालय को देखने के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना खुद में एक बहुत गौरव की बात है। आप एक ऐसे चेन से कनेक्टेड है जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। आपको एक ऐसा मंच मिलता है प्रतिस्पर्धा का जिसमें आप ना सिर्फ गुमला में अपना नाम रोशन कर सकते हैं अपने अभिभावकों का, वरन आप हर जगह जाकर अपनी इस टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा मुझे बताया गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ डांस भी अच्छा कर रहे हैं और साइंस एग्जीबिशन में भी हमारे केंद्रीय विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये वाकई गौरव की बात है, ना ही सिर्फ आपके लिए, ना ही सिर्फ आपके अभिभावक के लिए, ना ही सिर्फ आपके टीचर के लिए, बल्कि हर एक गुमलावासी के लिए। जब आपको वो टीवी पर देखते हैं, जब आपको वो देखते हैं कि आप राष्ट्रीय पटल पर गुमला का स्वर्णिम अक्षर नाम अंकित कर रहे हैं,